अंतराल 1.5 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+8 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और न्यूनतम मानों को ज्ञात कीजिए। हमें अंतराल दिया गया है, संवृत्त अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल है 1.5, और दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+8। तो दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+8, तो एफ डैश एक्स अर्थात एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा 2x-4 के बराबर। एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, माइनस 4x का हो गया -4। 8 अचर है, अवकलन 0 के बराबर होगा। तो एफ डैश एक्स हमने प्राप्त कर लिया 2x-4 है। अब हम जानते हैं कि उच्चतम और न्यूनतम मानों के लिए, चरम मानों के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं। तो उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा, अर्थात 2x-4 बराबर 0, जो हमें देता है x बराबर 2। पुनः हम देखते हैं कि एफ डबल डैश एक्स क्या है। पुनः अवकलन करें तो क्या प्राप्त करते हैं कि एफ डबल डैश एक्स 2 आता है, जो कि धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है। अर्थात x बराबर 2 पर 1.5 इंटरवल में प्राप्त मान न्यूनतम है। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो x बराबर 2 है उस पर जो मान हम प्राप्त करेंगे अंतराल 1.5 में, वो न्यूनतम होगा, क्योंकि हमारा जो d2y/dx² आया है वो धनात्मक है, और d2y/dx² अर्थात f डबल डैश x यदि धनात्मक आता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो वह मान हमें न्यूनतम प्राप्त करते हैं हम। तो मिनिमम हमने प्राप्त करेंगे x बराबर 2 पर। अब यहां देखते हैं कि जो अंतराल हमें दिया गया है वो है 1.5, और वो क्लोज्ड इंटरवल है, संवृत्त अंतराल है। तो हमें x बराबर 1 पर और x बराबर 5 पर fx के मानों की गणना करनी है। पुनः इस बात को समझते हैं कि जो अंतराल हमें दिया गया है वो क्लोज्ड इंटरवल है 1.5, अर्थात हमें x बराबर 1 पर और x बराबर 5 पर भी एफ एक्स के मानों की गणना करनी होगी। तो इसलिए 1.5 अंतराल में एफ एक्स का मान, जबकि x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 5 है, तो हमें तीन मानों पर देखना होगा। x बराबर 1, x बराबर 2 हमने प्राप्त किया है जो कि हमें न्यूनतम दे रहा है, और x बराबर 5 पर, और x बराबर 5 पर। तो जब एक रखते हैं हम, तो f एक का मान होगा, हमने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+8 में एक रख दिया x का मान, तो ये हमें मिलता है 1² - 4 × 1+8, अर्थात 1 - 4 + 8 जो कि 5 के बराबर है। तो एफ एक का मान 5 के बराबर है। अब हम देखते हैं एफ दो का मान। तो x बराबर 2 रखने पर f 2 हो गया 2² - 4 × 2+8, अर्थात 4 - 8 + 8 जो कि 4 के बराबर है। तो f 2 का मान हमने प्राप्त कर लिया। f 2 का मान, फलन का मान x बराबर 2 पर 4 के बराबर है। अब हम f 5 का मान ज्ञात करते हैं। x बराबर 5 रख दिया फलन में, तो 5² - 4 × 5+8, अर्थात 25 - 20 - 18 जो कि हमें देता है, +8 जो कि हमें देता है 13। तो ये मान हमने प्राप्त कर लिया, f5 13 है जो कि उच्चतम मान है। तो इस प्रकार अंतराल 1.5 में फलन का जो निरपेक्ष उच्चतम मान है वो 13 है, मैक्सिमम वैल्यू 13 है, और न्यूनतम जो निरपेक्ष न्यूनतम मान है, एब्सोल्यूट मिनिमा है, वो 4 के बराबर है। हमने एफ एक का मान 5 प्राप्त किया है, एफ 2 4 और f5 13 प्राप्त किया। तो उच्चतम मान 13 है और न्यूनतम मान, निरपेक्ष न्यूनतम मान 4 के बराबर है। ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx / e की पावर x-1।
हम दिए गए समाकलन को मान लेते हैं आई के बराबर, अर्थात आई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बटा ई की पावर एक्स माइनस एक। अब हम ई की पावर एक्स से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं, तो हम क्या प्राप्त करेंगे? यदि हम अंश और हर दोनों में ई की पावर एक्स से गुणा कर देंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डीएक्स बटा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस एक। अब ई की पावर एक्स को हम टी मान लें तो ई की पावर एक्स डीएक्स डीटी के बराबर होगा। तो हमने मान लिया ई की पावर एक्स बराबर टी, तो दिस इम्प्लाइज ई की पावर एक्स डीएक्स डीटी के बराबर है, अर्थात हमने जो अंश है वो प्राप्त कर लिया ई की पावर एक्स डीएक्स डीटी के बराबर है। तो इसलिए आई बराबर हो गया, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीटी बटा टी इंटू टी माइनस एक। हमने ई की पावर एक्स इंटू डीएक्स को तो लिख दिया डीटी, और जो हर में लिखा है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस एक, उसमें ई की पावर एक्स को टी लिख दिया, तो वो हो गया टी इंटू टी माइनस एक। अब एक बटा टी इंटू टी माइनस एक जो भिन्न है उसे हम आंशिक भिन्नों में बदलते हैं। तो एक बटा टी इंटू टी माइनस एक को हम लिख देते हैं कि ए बटा टी प्लस बी बटा टी माइनस एक के बराबर है। हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो एक बटा टी इंटू टी माइनस एक लघुत्तम हो जाएगा, और ए गुणा होगा टी माइनस एक से प्लस करके टी गुणा होगा बी से। तो अंश हो जाएगा ए इंटू टी माइनस एक प्लस बी इंटू टी। अर्थात दोनों पक्षों में अब हम देखते हैं कि टी इंटू टी माइनस एक दोनों पक्षों में हर है, अतः जो अंश है वो भी बराबर होगा, एक बराबर होगा ए इंटू टी माइनस एक प्लस बी टी के बराबर। तो हमने कर दिया एक बराबर ए इंटू टी माइनस एक प्लस बी टी। अब टी हम देखते हैं कि कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा ए प्लस बी, टी के पद टी का गुणांक क्या है ए प्लस बी, और अचर पद क्या हो गया माइनस ए। ये हमारा राइट हैंड साइड हो और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक है। तो हम यदि तुलना करें तो अचर जो है वो यहाँ एक है और यहाँ है ए, तो माइनस ए तुलना करने से माइनस ए एक के बराबर हो गया, अर्थात ए बराबर हो गया माइनस एक के। अब हम देखते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टी का कोई पद नहीं है और यहाँ राइट हैंड साइड में टी का गुणांक है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, अर्थात बी बराबर हो गया माइनस ए। और क्योंकि ए माइनस एक है तो इसलिए बी का मान हो गया एक के बराबर। तो हमने यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करने में ए और बी दोनों के मान ज्ञात कर लिए, ए हमारा है माइनस एक और बी हमारा है एक, इसलिए आई का मान क्या हो जाएगा? इसलिए आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक बटा टी प्लस एक बटा टी माइनस एक डी टी। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स लॉग एक्स होता है, इसलिए मानक सूत्र से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक बटा टी डी टी तो हो गया माइनस लॉग मॉडुलस टी, और इंटीग्रेशन ऑफ एक बटा टी माइनस एक डी टी हो गया लॉग मॉडुलस टी माइनस एक, और प्लस सी जहाँ सी जो है वो समाकलन का अचरांक है। तो इस प्रकार हमने आई का मान प्राप्त कर लिया। अब हम टी का मान हम देखते हैं कि ई की पावर एक्स हमने लिया है, तो टी का मान रखने पर आई का मान हो गया माइनस लॉग मॉडुलस ई की पावर एक्स प्लस लॉग मॉडुलस ई की पावर एक्स माइनस एक प्लस सी। अब लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटा एन होता है लॉग के नियम से, इसलिए यह मान
लॉग ई की पावर एक्स माइनस एक बटा ई की पावर एक्स मॉडुलस हो गया, प्लस सी अचरांक है समाकलन का। तो इस प्रकार हमने आई का मान प्राप्त कर लिया, आई बराबर है लॉग मॉडुलस ई की पावर एक्स माइनस एक बटा ई की पावर एक्स प्लस सी। ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डीएक्स। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। हम देखते हैं कि आइलेट के सूत्र से, आइलेट की विधि से टेन इनवर्स एक्स हमारा पहला फलन होना चाहिए क्योंकि आई पहले आता है, और एक्स हमारा दूसरा फलन होना चाहिए क्योंकि एक्स जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजीय फलन है। तो हमने पहला फलन ले लिया टेन इनवर्स एक्स और दूसरा फलन ले लिया एक्स। और अब हम खंडशय की विधि से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सूत्र हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स बराबर होता है यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का डी एक्स। तो यहाँ यू हमारा है टेन इनवर्स एक्स और वी है हमारा दूसरा फलन एक्स। तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स इंटू दूसरे फलन का समाकलन अर्थात एक्स का समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर बटे दो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब पहले फल हम पहले फलन का अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का होता है एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन अर्थात एक्स स्क्वायर बटा दो डी एक्स। ये हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स खंडशय की विधि से ज्ञात कर लिया। अब हमको दूसरे फलन को सरल करना चाहिए। तो दूसरा फलन हमारा हो गया एक बटा दो, हमने बाहर ले लिया दूसरे फलन में समाकलन में, जो हमारा दूसरा जो हमारा समाकलन है उसमें एक बटा दो बाहर ले लिया। तो हमें क्या मिलेगा, समाकलन एक्स स्क्वायर बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर, जहां हमने अंश में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। ये हमने कार्य क्यों किया, क्योंकि हम देखते हैं कि हर में एक प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमें अंश में भी एक प्लस एक्स स्क्वायर बनाना चाहिए। तो हमने क्या किया है, जो समाकलन हमने प्राप्त किया है खंडशय की विधि से एक्स स्क्वायर बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दो डी एक्स का समाकलन जो हमने प्राप्त किया है उसमें एक बटा दो समाकलन के बाहर ले लिया, और जो समाकलन हमारा है उसका जो अंश एक्स स्क्वायर है उसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। इस प्रकार यह समाकलन अब दो भागों में टूट गया। पहला भाग हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अर्थात एक प्लस एक्स स्क्वायर और एक प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, कट गए। तो पहला समाकलन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और दूसरा समाकलन माइनस एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक में एक प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाया तो दूसरा समाकलन बन गया डी एक्स बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा ये मानक सूत्र है कि ये टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, इसलिए यह समाकलन हो गया टेन इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार हमने आई प्राप्त कर लिया टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटे दो माइनस एक बटा दो एक्स डी एक्स का समाकलन एक्स माइनस डी एक्स बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका समाकलन होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, जहाँ सी क्या है, जहाँ सी समाकलन का अचरांक है। तो यदि हम इसको सरल करें तो अब सरल करने से एक बटा दो एक्स से भी गुणा होगा और माइनस टेन इनवर्स एक्स से भी गुणा होगा, तो माइनस एक बटा दो एक्स अर्थात माइनस एक्स बटा दो और प्लस एक बटा दो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हम प्राप्त करते हैं। इसलिए एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स बराबर होता है, का समाकलन बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा दो माइनस एक्स बटा दो प्लस सी।